तो तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे इस वक्त की सबसे अहम तस्वीर। आप देखिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने बूढ़े पिता के साथ यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। इन्हीं माता पिता को लेकर जद्दोजहद एक दो दिन से लगातार चल रही है। इनका बयान स्वाति मालीवाल के केस को लेकर दर्ज करवाने को लेकर बवाल मचा था। और इसी बीच यहाँ पर देखिए अरविंद केजरीवाल अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंचे। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री वोट डालने के लिए पहुंचे और वहीं आपको ये भी याद दिला दे कि अरविंद केजरीवाल की जो मोहलत है, जो अंतरिम जमानत है, वो भी धीरे धीरे खत्म होने के करीब आ रही। और इसी बीच आज सबसे अहम चीज जिसके लिए अरविंद केजरीवाल ने कई बार गुहार भी लगाई थी और कहा था कि मुझे प्रचार करने जाने दीजिए और इसके अलावा वोट जो गए, अगर वो अंतरिम जमानत पे ना भी होते तो उनको वोट डालने का मौका शायद दिया जाता। लेकिन साथ ही आपको ये भी बता दें कि जब भी कोई इस तरीके से जेल में जाता है तो ये कहा गया है कि कानून की तरफ से उनका वोट डालने का भी अधिकार खत्म कर दिया जाता है। लेकिन अंतरिम जमानत पर अरविंद केजरीवाल बाहर थे इसलिए उनको वोट डालने का मौका भी यहां पर दिया जा रहा है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं सुनीता केजरीवाल भी यहाँ पर मौजूद है, उनके पिता जो है बेहद वृद्ध, इसके अलावा उनके बच्चे भी उनके साथ यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं और अपने पिताजी से कुछ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। मीडिया का हुजूम अरविंद केजरीवाल से बात करने की पूरी कोशिश जो है वो यहाँ पर कर रहा है। तो केजरीवाल और पूरा परिवार यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंचा हुआ है, तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे। तो दिल्ली की यहाँ पर चार अहम सीटों पर आप जो है पूरी ताकत से लड़ाई लड़ रही है और अरविंद केजरीवाल जब से बाहर आएंगे हरियाणा, दिल्ली, इन तमाम जगहों पर लगातार आप देखिए कि प्रचार प्रसार भी जारी है। अरविंद केजरीवाल की तस्वीरें आपको दिखा रहे, देख सकते हैं वोटर आईडी कार्ड दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, उनके बच्चे उनके साथ मौजूद है। इसके अलावा सुनीता केजरीवाल को आप देख रहे हैं और उनके पिता जो काफी वृद्ध है उनको भी वोट दिलवाने के लिए वो यहाँ पर अपने साथ ही केजरीवाल लेकर नजर आए। इसके बाद सभी परिवारजन जो है चेहरे पर खुशी नजर आ रही है, देख सकते हैं कि वोट डालने अपने परिवार के साथ आएंगे और आप परिवार के साथ ज्यादा वक्त वो नहीं बिता पाएंगे। मेरी पत्नी और मेरे दोनों बच्चे हम लोग वोट डाल के आ रहे हैं। मेरी मम्मी आज ही गाय के खिलाफ और मैं जनता से सभी लोगों से वोटर से अपील करना चाहता हूँ कि गर्मी बहुत है फिर भी घर में ना बैठें, वोट जरूर डालें, अपने मत का अधिकार जरूर इस्तेमाल करें और तानाशाही के खिलाफ सब लोग क्या कहेंगे दिल्ली के माहौल क्या है, क्या कहेंगे दिल्ली के माहौल सर, अरे सर कौन बोलेगा। मैं समझता हूं कि बहुत भारी संख्या में लोग तानाशाही, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ वोट डाल रहे हैं क्योंकि लोग बहुत त्रस्त हैं।